बिहार के भागलपुर जिले में एक दरोगा ने रात में बिना वर्दी जांच के लिए निकले एसएसपी को ही हड़का दिया। दरोगा के एसएसपी बाबूराम को ना पहचान पाने और उनसे अशिष्ट व्यवहार करने की घटना का वीडियो अब सामने आया है। अरे साथ में लेकर जाते जहां गए थे, हमको तो नहीं लगता है कि यहां सब तरह गाड़ी चोरी हुआ है। कहीं गाड़ी चोरी कराइएगा, यहां कहिएगा कि चोरी हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि रात के वक्त निकले एसएसपी बाबूराम थाने के सामने बाइक चोरी की शिकायत लिए खड़े हैं। घटना शहर के जोकसर थाने की है। दरअसल एसएसपी कई थानों का निरीक्षण करते हुए जोकसर थाना पहुंचे थे। उन्होंने यहां बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इन पर उन्हें दरोगा के साथ ही सिपाही की भी लतार सुननी पड़ी। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ सब तरह गाड़ी चोरी हुआ है। कहीं गाड़ी चोरी कराइएगा, यहाँ कहिएगा कि चोरी हो गया। हाँ कहीं कैमरा कैमरा है दिखाई। हालांकि तब तक थाना अध्यक्ष अजय को जानकारी मिल गई कि खुद एसएसपी थाने में पहुंचे हैं। वो भागे भागे थाने पर पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस वालों को खरी खोटी सुनाते हुए जानकारी दी कि रिपोर्ट लिखवाने आए शख्स और कोई नहीं बल्कि एसएसपी साहब हैं। इस बात का पता चलते ही सभी के होश उड़ गए। थाने के सूत्रों के अनुसार सर्दरात की कनकनी में भी पुलिस वालों के माथे पर पसीना आ गया था। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए News Times 24 के साथ।